तो हे गाइस, माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज पे स्मार्टफोन्स की काफी सारी रेंज आपको मिल जाती है, जो अच्छे खासे डील प्राइस में आपको जो है मिल रहा है। लेकिन भाई, मैं आपको बता दूं, जितनी भी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, जितनी भी मेजर ब्रांड्स हैं, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग, शाओमी, एप्पल, पोको, इन्फिनिक्स, नथिंग, सारे स्मार्टफोन्स में आपको जो है ऑफर देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी इस वाली सेल में जो है मैंने आईफोन 13 परचेस किया, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया, 49,990 रुपीज में जो है मुझे पड़ा। प्लस मैंने ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो मुझे 2000 का और भी डिस्काउंट पड़ गया, तो ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज में मुझे आईफोन 13 मिल गया। तो शुरुआत करते हैं 7,000 की रेंज में। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरी टॉप 3 जो है ना, एक तरीके से पिक है। पहला जो है वो मुझे लगता है कि भाई रियलमी का C30 आपको परचेस कर लेना चाहिए। दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन है। 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है और 6.5 इंच का HD+ का डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बैटरी और जो स्क्रीन साइज आपको मिल रहा है वो काफी कमाल का है। और अगर आप अपने बजट को थोड़ा और बढ़ा सकते हो तो आप भाई पोको की तरफ से जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ पोको C31 जो है परचेस कर सकते हो। भाई कमाल की जो है ना इसकी रेटिंग फ्लिपकार्ट पे दी गई है, काफी सारे लोग इस फोन से अच्छा खासा सेटिस्फाई हैं। इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। बट बहुत सारे लोगों को और भी कम प्राइस रेंज में चाहिए, तो अगर आपका बजट 6,500 रुपए है ना, तो आप जो है परचेस कर सकते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला स्मार्ट 6। इसमें आपको 2GB की रैम मिल जाती है, 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाता है, प्लस इसमें अभी आपको 5000 mAh की जो है बड़ी बैटरी मिल जाती है। प्लस इसका जो ऊपर का डिजाइन वगैरह है, ड्रॉप नॉच वगैरह जो है आपको अच्छा टोटली मिल जाता है, तो आपको ऐसा जो है बिल्कुल ओल्डली सा फील बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ में इसमें आपको फेस अनलॉक वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो पिक थे भाई 7000 वाली रेंज में थे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और 10,000 की रेंज में जो है बात करते हैं, यानी कि 7-10,000 वाली रेंज। और यहाँ पे जो बेस्ट पिक मेरी है वो है भाई पोको M4 Pro। ये फोन जो है मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आपका बजट 10,000 रुपए, तो क्योंकि इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। टोटल 6.43 इंच का जो है डिस्प्ले है, प्लस इसमें आपको 64MP का ट्रिपल जो है कैमरा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए की रेंज में जो है इसमें आपको अच्छा खासा डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। और भाई इस प्राइस में अगर आपको एक काफी स्टाइलिश और प्रीमियम क्वालिटी का जो है स्मार्टफोन चाहिए जो दिखने में अच्छा लगे, तो आप जो है परचेस कर सकते हैं रियलमी की तरफ से आने वाला C33। और इसमें आपको जो है 50-50MP के डुअल जो है सेंसर मिल जाएंगे, तो आपको इमेज क्वालिटी वगैरह जो है अच्छी मिल जाएगी। प्लस इसमें आपको एक गोल्डन कलर भी मिल जाता है, वो मुझे काफी जो है ना एकदम प्रीमियम जो है लगा है। तो अगर आपको जो है इस प्राइस में एक प्रीमियम क्वालिटी का स्लिम वाला जो है डिजाइन में जो है फोन चाहिए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं पे एक पावर पैक आपको बैटरी वाला फोन चाहिए, तो आप रेडमी का जो है रेडमी 10 परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस में काफी तगड़ा जो है प्रोसेसर है, तो आपको ऐसा लैग वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वहीं पे अगर आप जो है सेल्फी वगैरह काफी अट्रैक्टिव और अच्छी लेना चाहते हो, तो भाई आप यहाँ पे वीवो का T1X जो है परचेस कर सकते हो। इसमें आपको जो है 4GB की रैम मिल जाएगी, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो प्रोसेसर आपको मिल रहा है वही रेडमी वाला मिल रहा है, यानी कि स्नैपड्रैगन का 680 वाला, जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर है। तो गाइस, अभी तक जो है मैंने 10,000 के अंदर में आपको स्मार्टफोन बता दिए हैं। आप लोग बस एक बात ध्यान रखना कि भाई कार्ड वगैरह का ऑफर जो जितने भी आपको दिख रहे हैं जब आप परचेस करने जाओगे, तो राइट साइड में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको जो है ना एडिशनल ऑफर भी अच्छे खासे तगड़े मिल सकते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं 10,000-15,000 रुपए की रेंज में आने वाले स्मार्टफोन। और इस प्राइस रेंज में जो है ना आपकी बेसिक नीड जितनी भी होती है उससे ज्यादा ही आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जो महंगे महंगे स्मार्टफोन है वो अच्छे खासे प्राइस कट में आए हैं। तो नंबर 1 चॉइस यहां पे मेरी है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 9i। ये एक 5G स्मार्टफोन है, इसमें आपको डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर मिल जाता है, जो ऑब्वियसली 5G कैपेबिलिटी के साथ में आता है। प्लस इसका जो डिजाइन है ना वो काफी सही है, लेजर कट डिजाइन के साथ में आता है, तो दिखने में नो डाउट काफी ज्यादा जो है एक तरीके से प्रीमियम लगता है। अब भाई अगर आपको एक काफी तगड़ा पावर पैक स्मार्टफोन चाहिए 15,000 रुपए की रेंज में, तो आप भाई पोको का X4 Pro 5G स्मार्टफोन ले सकते हो। ये सच में काफी पावर पैक है, क्योंकि अगर प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर मिल जाता है, तो वो भी काफी तगड़ा है। प्लस 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और उसके साथ साथ में 67W की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। कैमरा वगैरह की भी जो है इसमें आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। तो भाई 15,000 में पोको X4 Pro काफी तगड़ा ऑप्शन है, प्लस फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि 5G कैपेबिलिटी के साथ में आता है। लेकिन अगर आप 15,000 भी खर्च नहीं करना चाहते हो, 12,500-13,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको चाहिए, तो आप परचेस कर सकते हैं भाई ओप्पो की तरफ से आने वाला K10। और
इसमें आपको मैं बता दूं कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, फुल HD प्लस का जो इसमें पैनल है, प्लस 50 मेगापिक्सल का इसमें आपको AI कैमरा भी मिल जाता है। तो कैमरा की क्वालिटी ओप्पो वीवो की अच्छी होती है, स्पेशली सेल्फी कैमरा जो है आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो भाई ये फोन जो है एक तरीके से मुझे फ्रंट साइड से बहुत ज्यादा सही लगता है, यानी कि काफी जो है ना पोर्टेबल फोन है, ज्यादा जो है भारी सा नहीं है, प्लस दिखने में भी काफी स्टाइलिश है और प्राइस जो है ना काफी कम आपको मिलता है। अब इस प्राइस रेंज में जो है वीवो का भी एक फोन आ जाता है जो कि है वीवो T1 44 वॉट, इसका नाम ही यही है क्योंकि 44 वॉट को जो है सपोर्ट करता है। प्लस इसमें आपको 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी भी सही है, आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। ये फोन जो है ना बैक साइड से दिखने में काफी ज्यादा कूल लगता है क्योंकि इसका जो एक तरीके से कैमरा वगैरह का अलाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, वो बहुत ज्यादा जो है ना अट्रैक्टिव मुझे लगता है, काफी प्रीमियम लगता है। जो OnePlus वगैरह के फोन आते हैं ना वैसा पैटर्न जो है आपको एक तरीके से 13,500 रुपए में देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अलग अलग रेंज में जो है स्मार्टफोन्स बता दिए हैं, अब आप लोग जो है इस रेंज में जितने भी मैंने बताया उसमें से किसी भी एक स्मार्टफोन को पिक कर सकते हो। मैंने वही स्मार्टफोन बताया जो आपको रियल डील में मिल रहा है, चाहे महंगे से महंगा फोन हो यानी कि आईफोन हो या फिर बजट में जो मिलने वाला फोन हो, वो सारी जो है मैंने आप लोगों को डील्स बता दी है। गूगल की तरफ से आने वाला Pixel 6a भी जो है 27,000-28,000 रुपए की रेंज में जो आपको मिल रहा है, जिसका प्राइस काफी ज्यादा था, लेकिन अभी इस बिग बिलियन डेज में जो है आपको तगड़े जो है ऑफर मिल रहा है। अगर आपको स्टॉक कैमरा चाहिए 30,000 रुपए में, अगर आपको एक अच्छा जो है कैमरा वाला फोन चाहिए तो आप Pixel 6a जो है कंसीडर कर सकते हैं। प्लस कुछ चीजें हैं जो आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे नंबर वन जो मैं बार बार बोले जा रहा हूं वो ये कि अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह का ऑफर देख रहे हैं तो वो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना। प्लस नो कॉस्ट EMI का भी जो है आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप एक साथ खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप Flipkart पे जो है वो भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है तो भाई वो भी एक्सचेंज कर सकते हो, तो उस पर भी आपको अच्छे खासे ऑफर मिल जाते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर लो, तो जो आपका एक्चुअल प्राइस है फोन का उससे भी कम जो है आपको मिल जाएगा। और भाई Flipkart का पे लेटर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और जो आपको स्क्रीन डैमेज प्रोटेक्शन मिल रहा है Flipkart की तरफ से वो भी आप जो एक तरीके से ले सकते हो, आपको काफी कम प्राइस में मिल रहा है, तो अगर स्क्रीन वगैरह डैमेज हो जाती है तो आप जो है वो प्रोटेक्शन Flipkart से ही जो है परचेस कर सकते हो। अब फॉर श्योर अपग्रेड करेगा इंडिया क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस जो है आपको इस बिग बिलियन डेज में देखने को मिलते हैं। तो सबकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लो क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं, सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको मेरे रिकमेंडेशन अच्छे लगे हो। लाइक किए बिना बिल्कुल ही मत जाना, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा देना क्योंकि ऐसी डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।